अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरोज से किचन में। तो आज रमजान स्पेशल कौन सी रेसिपी कर रहे हैं अम्मी? तो आज रमजान स्पेशल मैं बनाने वाली हूँ चटनी कबाब और उसी के साथ में चिकन महारानी। अच्छा, तो चलिए गाइस बगैर टाइम वेस्ट करे रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ज्यादा टाइम हो गया। आज बज रहे 5, तो मुझे जल्दी जल्दी रेसिपी कम्प्लीट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चटनी कबाब बना लेंगे। तो चटनी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 किलो चिकन ली हूँ। ये बगैर हड्डी वाला चिकन है, ये देखिए। और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब में मैंने कर ली हूँ। और मैं डाल रही हूँ इसे एक ग्राइंडर जार में। अगर आपके पास में इस तरह का जार नहीं है पीसने वाला, तो मिक्सर की छोटी वाटी में भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल लूँगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। वाटी को अच्छी तरह से साफ करेंगे, वेस्ट हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना सिर्फ। हाँ। और आज काफी टाइम हो गया क्योंकि आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। साथ ही मैं इसमें डाल लूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले, तो ज्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर। काली मिर्च पाउडर डालेंगे हम 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1/2 चम्मच से भी कम हम नमक डालेंगे। नमक का इस्तेमाल क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हम इसमें चीज डालने वाले हैं। सारी चीजें इसके अंदर चली गई। अब इसमें डाल देंगे हम फ्रेश फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलिए ये भी ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ब्रेड। तो मैं यहाँ पे ब्रेड के इस तरह के टुकड़े मेरे पास में रखे हुए थे, तो मैं वो ही यूज़ कर रही हूँ। आप ब्रेड को कम से कम 3 से 4 ब्रेड तोड़ के इसके अंदर डाल देना, बराबर है फिर? बराबर। चलिए अब हमने इसमें ब्रेड भी डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल या बटर का इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं। अगर आपको बटर डालना है तो बटर डालिए 1 चम्मच, या 1 चम्मच देसी घी डालना है तो देसी घी डालिए। मगर मेरे को सामने ऑयल दिख गया, तो मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस। रस को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। फटाफट काम करना है, काफ़ी लेट हो चुका है। कल हम लोग गए थे बाहर, तो हम लोगों ने इफ्तारी भी बाहर किए, हम लोगों ने सहरी भी बाहर किए, तो उसकी वजह से हमारे पेट की हो गई है गड़बड़, है ना। तो चलिए अभी सारी चीजें इसमें चली गई। अब इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो चलिए गाइस, माशाल्लाह ये अभी अच्छी तरह से पीस कर हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके अंदर से इसे निकाल लेंगे, इसे आराम से इस तरह से साफ कर लेंगे हम। इसके अंदर जो भी हमारा चिकन लगा है इसे निकाल कर, माशाल्लाह, है ना। अब क्या करेंगे, इसे हम, नीचे गिर गया थोड़ा सा, किचन मेरा साफ ही रहता है। अब इसे इसके अंदर से हम निकाल लेंगे आराम से, ऐसे थोड़ा एक बार मिक्स कर लेंगे, कहीं कहीं मसाले ना लगे हो। अगर हाथ में चिपकने लगा तो थोड़े तेल का इस्तेमाल करके आप इसे अच्छी तरह से इसे निकाल लेना। फटाफट से हम काम कर रहे हैं, फास्ट फास्ट। देखिए आज फास्ट मैं 5 बजे खड़ी हुई हूँ, 6 बजे तक का मुझे सब मैंने कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख दी फटाक से, और मैंने बोली फटाफट से इसको अभी रेडी कर लेती हूँ। इसे निकाल के एक दूसरे बर्तन में डाल दूंगी मैं। तो चलिए अभी चटनी कबाब के अंदर जो चटनी हम भरेंगे वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में चटनी रखी हुई थी बनाकर, तो इसीलिए मैं बोली चलो चटनी कबाब बना देते, मगर इसकी चटनी कैसे बनानी है वो आपको बता देती हूँ। नॉर्मल जैसे हम चटनी बनाते हैं वैसी बनानी है। जैसे कि इसमें लेना है 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चें लेना है, और 2 से 3 हमको लहसुन की कली रहती है ना वो लेना है। 4 से 5 भी लहसुन की कलियाँ आप ले सकते हैं। उसी के साथ में 1/2 चम्मच जीरा लेना है, 1/2 चम्मच से भी कम नमक लेना है, 1/2 चम्मच से भी कम आपको चाट मसाला पाउडर लेना है, बराबर ना सिर्फ। और ये सब मैं थोड़ा सा ठंडा चिल्ड पानी डाल के इसे पीस के ले लेना है। तो ये ऐसी मैंने पीस के यहाँ पे रेडी करी हूँ, बगैर टाइम वेस्ट करे रेसिपी बना रही हूँ इसीलिए। अब क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे मैंने ली हूँ नारियल का मुरादा। नारियल का मुरादा जो है ना आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। नारियल का मुरादा क्या होता है, जो सूखा नारियल होता है ना, सूखे नारियल को हम पीस के उसका पाउडर बना लेते हैं। अगर आपको नारियल का मुरादा नहीं मिलेगा तो सूखा नारियल ले लेना, नारियल के ऊपर का जो काला वाला पार्ट होता है ना सूखे नारियल का, उसे निकाल लेना और बारीक बारीक कटिंग करके इस तरह से नारियल का मुरादा बना लेना। नहीं तो किराने की दुकान में आप बोलेंगे तो नारियल का मुरादा आपको मिल जाएगा। ये मैंने ली हूँ 3 से 4 चम्मच। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये वाली चटनी, ज़बरदस्त। अब ये वाली चटनी के डालने के बाद में मैं इसमें डाल लूंगी मोयनीज, क्या बोलते हैं मोयनीज। हाँ, मुझे इतना बोलने नहीं आता है, मेरी जबान जल्दी से पलटती नहीं है, थोड़ा मेरे को जबान में प्रॉब्लम है बोलने के लिए। ये मैं डाल लूंगी 1 चम्मच पूरा भर के, है ना। अब इसके अंदर जाएगा चीज। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ कौन सा चीज, ऐसी मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब ये सारी चीजें डालने के बाद में अभी हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इन सबको हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है। इसी को हम अपने कबाब के अंदर भरने वाले हैं, एकदम जबरदस्त। देखिए इसका, इसको क्या बोलते हैं, स्टफिंग। हाँ स्टफिंग। हाँ भाई देखिए भाई, हम चटनी की स्टफिंग। स्टफिंग हाँ, देखो जब आपके आपा को रेसिपी तो बनाने आ जाती है अच्छी तरह से, मगर बोलने मुझे कुछ आता नहीं है बरोबर, है ना। हाँ। क्या कौन सी चीज को कैसे बोलना है, जो मैं स्टाइल में मुझे आता है मैं वो स्टाइल में बोलती हूँ। आप लोगों के समझ में आ जाता है ना, आप लोग मुझे प्यार करते हैं तो आप लोगों के समझ में आ ही जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हमने यहाँ पे देखिए। तो चलिए अभी हम अपने चटनी कबाब बना लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेके अच्छी तरह से, अब यहाँ से थोड़ा सा एक इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाना है हमें, मीडियम साइज़ के ही बनाना है। ज़्यादा बड़े बन जाएंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे हमारे चटनी कबाब, है ना। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़बरदस्त बनते हैं, है ना। ये कुछ अलग स्टाइल में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि बावर्ची लोग बनाते हैं ना वैसे। अब क्या करना है, गोल करने के बाद में इसे हाथों से इस तरह से हमें चपटा कर लेना है, चारों बाजू ऐसे ऐसे करके चपटा कर लेना है। ये हमने ऐसे चपटा कर लिए। चपटा करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमने चटनी का जो मसाला बनाकर रेडी रखा है ये हम इधर से चम्मच में उठा लेंगे और ये इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादा एकदम फुल नहीं भरना है, थोड़ा कम ही भरना है। ये हमने भर दिया इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे पैक करेंगे, ऐसे करके बराबर से ऐसे पैक कर दीजिए। ये हमारा यहाँ पे पैक हो गया। अब इसको गोल शेप दे देंगे, एक ऐसे गोल घुमा के। ये मस्त एकदम, ये ऐसा गोल वाला शेप इसके ऊपर आ गया, है ना। ये थोड़े तीखे होते हैं और काफ़ी चटपटे होते हैं। अगर आपको तीखापन कम पसंद है तो आप कम मिर्ची का इस्तेमाल करना, मगर ये जितने चटपटे लगेंगे उतने ही खाने में अच्छे लगेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे चटनी कबाब बन के रेडी हो गए। मस्त है ना, जबरदस्त। तो यहाँ पर हमारे चटनी कबाब बनकर हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक अंडा ली हूँ, हल्का सा नमक डाल के इसे फेंट ली हूँ। यहाँ पे मैंने ली हूँ ब्रेक क्रम्स। ब्रेक क्रम्स के अंदर मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड करी हूँ। फूड कलर ऐड करके मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मार के इसे अच्छी तरह से मिक्स करी हूँ। आप लोगों को पता है मैं कैसे मिक्स करती हूँ, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक कबाब उठा लेंगे। ये कबाब को हम इस अंडे में डिप करेंगे अच्छे से और फिर इस ब्रेक क्रम में हम इसे लगाएंगे अच्छे से, चारों बाजू से फैला के अच्छे से इसे ब्रेक क्रम्स में लगा लीजिए। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ पे हमारे चटनी कबाब मस्त बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी सिर्फ इसे शैलो फ्राई करना है। अब मैं इसे रख देती हूँ यहाँ पर और दूसरे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारे चटनी कबाब सब बनकर रेडी हो चुके हैं, सिर्फ इसे शैलो फ्राई करना है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, हमारे चटनी कबाब को हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल रखी हूँ गर्म होने के लिए। तेल जैसे ही हमारा गर्म होएगा तो गैस को आप स्लो कर देना और एक एक करके हमारे जो ये चटनी कबाब है इसे छोड़ देना आराम से, और एक तरफ से 5 मिनट और एक तरफ से 5 मिनट करके इसे पका लेना, यानी टोटली 10 मिनट। और चटनी कबाब चिकन के है, चिकन के कबाब क्या है, फटाफट से हमारे पक जाते हैं, अच्छे तरह से गल भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चटनी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे बाहर एक टिश्यू पेपर से। माशाल्लाह, यहाँ पे हमारे चटनी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, एकदम जबरदस्त लग रहे हैं। अंदर से इसकी फीलिंग देखिए, एकदम चटनी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह की रेसिपी अगर आप लोगों को देखनी है तो अफरोज किचन को आप लोग फॉलो कर लीजिए, है ना। और कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरी इफ्तारी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं चिकन महारानी। वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ 1 किलो चिकन। चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ और जो लेग के पीस है मैंने उसे इस तरह से कट लगा ली हूँ। देख सकते हैं आप लोग क्या मसाला अंदर तक चला जाए करके। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बहुत टेस्टी लगता है गाइस, आप इसे इफ्तार में भी बना के खा सकते हैं या ऐसे नॉर्मल टाइम पे आपके घर में जब मेहमान आएंगे तो भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इसके अंदर जाएगा 1/2 चम्मच नमक। अभी इसके अंदर हम डाल लेंगे काली मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें जाएगा 1/2 नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस मैं यूज़ कर रही हूँ।
अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। चिकन महारानी का सीक्रेट मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक मैंने बर्तन रखी हूँ गर्म होने के लिए, इसके अंदर डाल देंगे एक वाटी भर के धनिया, फ्रेश धनिया ली हूँ मैंने। साथ ही में इसमें 4 से 5 सूखी वाली लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बड़ी सौंफ, 10 से 15 काली मिरी, 10 से 15 लौंग, 3 हरी इलायची और 3 काली इलायची। इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन महारानी का सीक्रेट मसाला पीस कर हो चुका है, इसे हम निकाल के एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने ली हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें, साथ ही में यहाँ पे मैंने ली हूँ 10 से 15 काजू, 10 से 15 बादाम, मैंने इसे भीगने रखी थी आधे घंटे के लिए, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। पीसने के समय इसके अंदर हम डालेंगे दूध थोड़ा सा, मलाई के साथ जाएगा तो मलाई के साथ ही डाल देना। अभी इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस कर रेडी करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 5 से 6 चम्मच तेल रखी हूँ गरम होने के लिए। यहाँ पे मैंने ली हूँ 4 मीडियम साइज के प्याज, प्याज को मैंने पीस के ली हूँ, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी प्याज को साफ करके इसके अंदर ऐड करेंगे और प्याज को हल्का हल्का सॉफ्ट हुए तक का हम इसमें पका लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, व्हाइट से थोड़ा सा ये दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ब्राउन कलर, ब्राउन, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, एकदम ब्राउन नहीं कर देना है, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। अब इसके अंदर ये जो चिकन हमने रखे थे मैरिनेट करने के लिए, वो चिकन इसके अंदर सारा डाल देंगे हम। इसके अंदर जितना ही मसाला लगा है सब पोस्ट पाट के इसी के अंदर हम डाल देंगे अच्छे से। प्याज को हाई फ्लेम पे रखना, हाई फ्लेम पे इसका काम होगा सारा, मीडियम पे मत रखना। अभी हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद में इसमें जो हमने महारानी का सीक्रेट मसाला बनाए थे वो मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पूरा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मसाला डालने के बाद में मुझे क्या करना है, इसी के अंदर साथ ही में मैं इसमें जो बादाम काजू और हरी मिर्च का पेस्ट था वो भी इसी के अंदर सारे ऐड कर दूंगी, है ना, ज़बरदस्त। एक बार इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर डाल लेंगे दही। तो ये मैं एक वाटी दही डाल रही हूँ, छोटी वाली जो वाटी आती है ना वो दही, मैं मार्केट से मैंने रेडीमेड लेके आई हूँ 10 रुपए का डब्बा, तो वही आप डाल देना, है ना, तांगे की दाल चल रही है ना। अभी इसी के साथ में मैं इसमें डाल लूंगी थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम, तो ये मैं डाल रही हूँ कम से कम 3 से 4 चम्मच, ये देखिए ऐसे जबरदस्त, है ना, 3 से 4 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम डाल दी हमने, ये रख दो लगा। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर डाल लेंगे अमूल बटर, तो मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अमूल बटर। अमूल बटर की जगह पे आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और अमूल बटर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक का भी पकने देंगे हम। चलिए, अभी हम इसके अंदर कस्तूरी मेथी डालते हैं। माशाल्लाह एकदम अच्छे से रेडी हुआ है। अभी आपको इसके ऊपर तरी नहीं दिख रहेगी, मगर ये ठंडा होने के बाद में इसके ऊपर काफ़ी तरी आ जाएगी। अभी हम इसके ऊपर कस्तूरी मेथी डाल देंगे, साथ ही में फ्रेश हरा धनिया, और साथ ही में इसके ऊपर चीज। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, चीज भी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। जो मैं आवाज तभी आहिस्ता आहिस्ते बात कर रही हूँ ना, अच्छाई हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। अभी इसे एकदम धीमी आंच पे 5 मिनट पकने देंगे, उसके बाद में हम गैस को कर देंगे बंद। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारा चिकन महारानी बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर से मैंने इसके हरा धनिया डाली हूँ और थोड़ा सा चीज़ डाली हूँ,
और बहुत जबरदस्त, बहुत यम्मी बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो आप लोग इसे इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं, सहरी के लिए भी बना सकते हैं, या अगर आपको इसे ईद में बनाना है, आपके घर में मेहमान लोग आ रहे हैं, तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर बताना। माशाल्लाह यहाँ पे हमारी इफ्तारी बनकर रेडी हो चुकी थी और हम सब बैठ गए थे रोज़ा खोलने के लिए, और मैंने आप सबके लिए दुआ की, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, मेरी फैमिली के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिल